Marquise. ये दीवार से लग के कौन खड़ा है? कुर्बानी का जानवर हाजरा? मतलब आप मेयर साहब से कह दो हाजरा बिक गई है। बोल बस इतना है कि वो पोले को रिहा कर दे और हाजरा को कैद कर ले। पर वो तो कहता है पोला उसके पास नहीं है। फिर भी आप जाए और कहे कि निकाह उसी दिन होगा जिस दिन पोला वापस आएगा। आज रात को आ जाए तो निकाह आज रात को भी हो सकता है। नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। गुनाह तो मैंने करना है मौलवी साहब, आपने तो सिर्फ बात करनी। ना करती है, कोई एक तो रास्ता रोके उसका, वरना तो हर चौथे रोज गांव में कोई लड़की जवान हो जाती है, सब उसके निकाह में दे दोगी। टाइम थोड़ा है मौलवी साहब। आप जाएंगे तो शरा शर्म रह जाएगी, वरना मुझे जाना पड़ेगा। और फिर पता नहीं नकाब भी हो कि ना हो। बस ये कह के दुआ दी है उसे, ये ना कह के दिल से निकल गई। अब पहली मोहब्बत फुलबेरी की तरह होती है शौकत अली, जान चली जाती है पर फुलबेरी नहीं जाती। इस शहर से चला जाए तो ठीक है, गांव की तरफ जाए तो गलत। सुनिएगा जी भाई, ये टिकट बदल सकता है? जी बिल्कुल बदल सकता है। कहाँ जाना है आपने? जाना तो मैंने कनकपुर था। अच्छा, पर अब कराची जा रहा है। तो चले जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं। दिखाइए आप। बिल्कुल, तो आपका ये ना टिकट जहाँ से आपने लिया है वहीं से 5 रुपए कटौती करेंगे और आपको बाकी पैसे देकर तो टिकट मिल जाएगा कराची का। बड़ी मेहरबानी। माफ करना मौलवी साहब, हाजरा के काम में 2 कोट पी लिया मैंने। आपके आने की खबर होती तो पाक साफ होके वजू करके बैठता। आप हुक्म करें। हाँ कर दिया उसने। उसकी तरफ से निकाह की तारीख देने आया। ना करे मौलवी साहब, खुशी से तो नशा उतर जाना है मेरा। नहीं मेयर साहब, रब की मसलियत यही है कि आप नशे में रहो, इसलिए तो आपकी शर्त अर्श पर भी मानी जाती है। फटाफट तारीख बोलो। बोलो बोले के घर वापस आने की तारीख। आज रात कर वापस आ जाए तो आज रात, कल आए तो कल की तारीख। आ जाएगा, आ जाएगा, निकाले दिन आ जाएगा। पीछा कर रहा हूं मैं उसका, ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। निकाह के बाद तो समझो जाती तौर पर ढूंढने के लिए निकलूंगा उसे। गारंटी देता हूं आपको। वो कहती है निकाह से पहले
ना कि ये तो सीधा सीधा इल्जाम हुआ ना मुझ पे, ना कि जैसे पोला मेरे कब्जे में है। नहीं, इल्जाम नहीं है, आपकी पहुंच तो है ना। आप चाहो तो जिस वक्त मर्जी हाजिर कर सकते हो। क्या कहा था आपने, आज की रात मिल जाए तो आज की रात निकाह करेगी? जी, गारंटी देते हो आप? गारंटी की बात नहीं की उसने मेरे साथ, करेगी तो दे दूंगा। तो फिर पूछ के देख लो, आपकी गारंटी हो जाए तो कोशिश करूंगा। खबरें आज रात को ही भोला मिल जाए। जी, ना कि आप भी कोशिश करना कि नेक काम में देर ना हो। खाम खा होर पीनी पड़ जाएगी मुझे। समझो कि अगले दो कुट का गुना आपको मिलेगा। गड्डी तो कनकपुर नहीं रुकती? आप समझते हैं मैंने रोकी है? नहीं जनाब, मैंने नहीं रोकी। उठ जा, उठ जा, रिहाई बोल गई है तेरी। रस्सियां खोल इसकी। क्यों रिहाई बोल गई है मेरी? मन गई है तेरी कुछ लगती। मेयर साहब से निकाह मंजूर कर लिया उसने। वापस मानो मुझे, वापस मान। रही मंजूर नहीं है मुझे, मान। मरना मंजूर है तुझे? और मंजूर है। तबीयत तो ठीक है तेरी? मौत कोई बीमारी नहीं जो लग के ठीक हो जाएगी। मर गया तो समझ मर गया, सीधा कब्र में। चल मार, मार, खाली मारन मारन ना कर, मार के बखा। ओए, कूदने से नहीं मरना मैंने। अपनी बंदूकड़ी सीधी कर, मेरे सीने पर रख चला गोली। कभी बंदा मारे या निरिया मक्खियां मार मार के 30 मार खा बड़ा पीता है ना टिपना साहब ना।
मेहर साहब का हुक्म है कि भोले को चरीट भी नहीं आनी चाहिए। कपड़ा चढ़ा इसके मुंह पे, रस्सियां बंद बोरी में ले जा मेहर साहब के पास। अगर दूसरी बार मुझे नजर आया तो किसी को नजर नहीं आएगा। तो बच गई तो ब्याह करेगी तुझसे? नहीं, मोहब्बत करता है उससे? फिर तुझे क्या, तेरी तरफ से काले चोर की हो जाए? वो मेरे मामे की ती है, मामे की थी। तेरे काले चोर का रास्ता रोकना ड्यूटी है मेरी। और मेहर जी से लड़ना तो अपने नसीब से लड़ने वाली बात है बेवकूफा। और तेरे पीछे तो मदई भी कोई नहीं। हो तू मेरे हाथ खोल, फिर मैं तुझे लड़के बखाता हूं। हाथ मैं तेरे खोल देता हूं, पर कॉल दे मुझे कि तू हाजरा को लेकर यहां से भाग जाएगा। स्टेशन तक मैं तुम दोनों को छोड़ आता हूं। गड्डी मिले तो मुड़ के पीछे ना देखना। साजिश आ गई है तेरे दिल में, है ना? अपनी बहन का ख्याल आया मेरे दिल में। अभी तो गुड़ियां पटोले खेड़ती है, पर लड़की जात का क्या है, त्रेक की तरह बड़ी हो जाती है। मैंने इतबार किया तेरे पे, मेरे हाथ खोल। सलाम करने आई हूं आपको, आपकी हवेली को और हवेली की कैदियों को। उस दिन जब मैं आपके कमरे में सो गई और मेयर साहब को लग गया कि मैं गुम हो गई हूं, तो बस फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं गुम हो जाऊंगी। गुम हो जाएगी तू कहां? सुनिए, शहर में बड़ी भीड़ होती है, मेरी जैसियां तो पैर रखते ही गवा जाती है। ना, इस तरह की बात भी ना सोच। सोचिए तो पहले तो सुरैया बीबी, तो
अब तो कोच का टाइम आ गया, रोकने से रुकना नहीं और मोड़ने से मुड़ना नहीं। मैंने तेरी माँ को मार डालेगा। माँ की बाकी उम्र ही कितनी है? हाजरा का क्या होगा? चीर फाड़ के उसे कच्चा खा जाएगा। घबराओ ना, मैं गई तो भूखी मर जानी है उसकी। सबकी इज्जतों को चट कर जाने वाले मेहर साहब से गैरत की एक बुरकी छीन के देखते हैं, देखते हैं कि कितनी पीड़ उठती है। और उस गले की पीड़ से कितनों के दर्द को आराम मिलता है। आप मुंह फेर लो और कलमा पढ़ के कह देना कि मैंने तो उसे जाते हुए देखा ही नहीं। ये बात तो मैं तुझे स्टेशन छोड़कर आऊंगी। ना, स्टेशन यहाँ से 3 मील दूर है। करारी वाला चाकू है मेरे पास, कोई भी मेरे रास्ते में आया तो उसे जान से मार डालूंगी। और आप इतना यकीन कर लो, मारने पे आऊं तो शौकत अली से ज्यादा फुर्ती है मेरे अंदर। शौकत अली के पास जाएगी? कौन शौकत अली? इंजन का प्रेशर पाइप लीक हो गया था, ठीक हो गया, अब मिनट में चल पड़ेगी। We'll be right back.
चल बोले उधर नीचे। तूने तो कराची जाना था। समझ कराची आ गया। वो पिंड वापस जाएगा। तू आकर टाइम पे पहुंच जा। कौन सा टाइम? मैं किन नकाह कटे? मैं का नकाह कराएगा मुझसे? बिना शक। उसे कहूंगा हिम्मत है तो कर ले। हिम्मत है तो आचरा भी तेरी। और पकड़ा था ले चलगा। फेक शौकत अली। उसके बंदे पिंड में बंदूकें कुल्हाड़ियां लेके से ढूंढ रहे होंगे। जान से मार देंगे सबको। 6 महीने लाहौर में रह के आया। वहां मैंने खरोड़ खेले हैं ना बांदर के लेना गुल्ली डंडा। एक बस यही सीख के आया हूं तो शौकत अली को मारने का सपना देखकर उसे सफड़े में मार दूं। चलो उतरो नीचे। चल हाजरा कहाँ है? ये पूछ कि मैं कहाँ? अरे पूछा है कि हाजरा कहाँ है? पहले ये पूछ कि मैं कहाँ हूँ? ना कि ये तो माने है सवेरे सारे पिंड को बताना कि तू कहाँ है? जमीन फाटे जानी है मेरे साथ और आपने उसके अंदर समा जाने। सीधी तरह बताती है कि हाजरा कहाँ है वरना आज रात जमीन फट जानी है और आज रात ही मैंने दफन कर देना है तुझे। अल्लाह करे वो बच के निकल जाए फिर मैं जमीन से आप कहूंगी कि फट। तुम दोनों चलो मैं मौलवी साहब से मिलके आता हूँ। राजा अभी तेरे साथ चलता हूँ। चल तू कार जा। चल चल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
आज से दिन की अजान मैं दूंगा मौलवी साहब। शौकत अली, मैं आ गया हूँ मौलवी साहब, अजान देने आया हूँ। सुना है एक बारी पहले भी जब दुनिया बदली थी तो एक अजान की आवाज सुनाई दी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चले शान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ के ट्रेन के सफर में थी, स्टेशन आ गया, गड्डी कुछ देर के लिए रुकेगी यहाँ पे, कुछ चाय पानी लस्सी पी लें फिर चलते हैं। लाहौर जाना था ना तुझे, हमारे प्यारे शौकत अली के पास, है ना? लेके जाता हूँ तुझे मैं। और सुन भाई, ऊपर वाले कमरे में मेरे दो तीन नए जोड़े पड़े, जा जाके ले गया। आ जा, आ किसी ने बताया नहीं मेहर साहब, शौकत अली वापस आ गए। मार मार शौकत अली, मार मेरा पुत्र, फिर चाहे ये सबको मार दे। से कहा था मेहर साहब, वो रस्सी टिली करे तो समझो अगली बारी खींच लेगा। मार शौकत अली, उस वक्त तक जब तक ये मर नहीं जाता, नहीं मरता तो गोली से मार इसे। ना शौकत अली, बस इसे डरा दे, ये डर गया तो समझो अपने आप मर जाएगा। तोलची बुलाओ मौलवी साहब, उसे कहो गांव में मनादी करे।
शाम तक पिंड में मेहर साहब का एक भी बंदा ना, तो अल्लाह पाक की कसम जिंदा नहीं रहेगा। चलो मेहर साहब, आपको आपकी हवेली तक छोड़ के आऊं। अव्वल तो कुछ दिन बाहर ना निकलना, निकलो तो नजर नीवी करके या फिर हौसला बढ़ा करके। अब गांव में शौकत अली का पैर है। रखी की बात नहीं टाली मैंने, वरना जिसे जान से मारना है उसे ठुड्डा मारते हुए बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। चलो मेहर साहब चलो। बस कर दो शौकत अली, मेहर साहब की मंजिल आ गई है। मेहर साहब को बस ये बता देना सुरैया बीबी, पिछली बारी मेरे हाथ से यासिन मर गया तो कम गया था मैं। आज मैंने मेहर साहब को नहीं मारा तो आज भी कम गया हूं मैं। अंदर आ जाओ मेरे साथ। सुरैया बीबी ने गड्डी भेजी है और कहा है रखी बीबी को कहीं घर आ जाए। देख ले अम्मा, फैसले और निकाह में यही फर्क होता है। फैसले वापस हो जाते हैं। चल गड्डी वापस ले जा, कह दे अपने मेहर को रखी ने अब नहीं आना। चल तूने भी सुनिया कि नहीं, अब तूने वापस नहीं जाना। मेहर से कागज का रिश्ता तो कल वकील से मिल और रिश्ता तोड़ने के कागज बनवा, पर जब दिल का रिश्ता है तो चल, मैं तुझे आप हवेली छोड़कर आता हूं। चल अल्लाह अकबर।
मेहर साहब जी, ये टोपी पहनकर हाथ में तस्बीह लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? ओए नाकी, कहाँ जाना है मुझे? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ने? अभी तो 11:30 बजे हैं। मस्जिद में जो पहले पहुंचता है उसको उसका अलहदा स्वाब मिलता है। ना करो मेहर साहब, गांव वाले समझेंगे कि शौकत अली की एक मार ने आपको मुसलमान कर दिया। ओए तो ना की समझ ले, मैं भी यही समझता हूँ कि शौकत अली ने मेरी दुनिया बदल दिया है। कल तो कह रहे थे शौकत अली को जान से मार दूंगा, सवेरे उठ के शिगिर्दी कर ली उसकी। ओए ना की, जेन बदल गया है मेरा, खुदा के खौफ से डर गया हूँ मैं। जान लेना देना तो खुदा का काम है, अब उसके कामों में दखल अंदाजी करता चंगा लगता हूँ मैं। मैं उसके कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता हूँ। मैं खुशी से मर जाऊंगी मेहर साहब। ओए तुम दोनों खुश रहो, इसके लिए मैं सारे जतन करूंगा सुरैया बेगम। दूसरी नहीं आई वापस, शौकत अली कहता है नहीं आना उसने। ओए आ जाएगी, मिन्नत तरला करके ले आऊंगा उसे। क्या करके? ओए मिन्नत तरला, और क्या करना है मैंने? मेहर साहब तबीयत ठीक है आपकी? वेख सुरैया बेगम, रब से माफी मांगने के लिए जा रहा हूं, जरूरी है कि उससे पहले तू माफ करे मुझे। और तूने तब तक माफ नहीं करना जब तक तुझे यकीन नहीं आना। जब उसे यकीन आ जाएगा वो भी माफ कर देगी। हाजरा निकल गई दिमाग से। हाँ? कौन हाजरा? ओए रब मुझे माफ करे। ओए अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। शरीयत को तेरे हक से इनकार नहीं है, पर फैसला तुमने करना है, शौकत अली ने नहीं। अब तू कहे तो जाकर वकील से मिल लेते हैं। कब? आज शाम को, मगरब के बाद। कौन जाएगा मेरे साथ? मैं और तेरी माँ। नहीं, आप जाओगे और शौकत अली जाएगा। वो अभी नामहरम है तेरे लिए। तो ठीक है ना, साथ चले और नामहरम बन के पीछे बैठा रहे। ठीक ही तो कह रही है मौलवी साहब। वो नहीं राजी, कहता है मेहर का परछावा हट जाएगा तो साथ चलूंगा। पूछ लो उससे, 12 मील दूर जाना है, जाने के लिए शाम का टाइम रखा है आपने, रस्ते में मेहर ने रोक लिया तो हाथ पकड़ के घर ले जाएगा। आपसे तो रोकया नहीं जाना मौलवी साहब। एक बात और भी कह दो उससे, परछावा जो पड़ गया वो हटना नहीं, हम दोनों के पीछे पीछे रहना है उसने, मुड़ मुड़ के पीछे देखना है तो फिर हवेली से आने वाली गड्डी ना रोके। देख पुत्र। देखो मौलवी साहब, मेहर कोई मैल नहीं है, चली खत के साबुन से धो के साफ हो जानी है,
बाद में दिल मैला करना है तो आज ही बैठ के सोच रहा। मैं हूं तो वही रखी ना, और मेहर ने मुझे 6 महीने अपने घर में रखा है। जवाब दे शौकत अली, जोर की अजान का वक्त हो गया है। मैं समझ गया तेरा जवाब क्या है। मैं चलूंगा मौलवी साहब, मैं तांगे के आगे बैठूंगा और वो पीछे बैठेगी आपके साथ। बैठो मौलवी साहब, आ रही है वो। आप हट जाए मेरे साथ, मैं सफाई कर देता। नहीं ओए, ओए कोई इस नापाक चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यहां की सफाई मैं आप करूंगा। चल जा, तू जा, अल्लाह तेरी ख्याल करे, जा। कर लूंगा मैं, कर लूंगा।
क्यों लेना चाहती हो तलाक? किसी और पर दिल आ गया है? मौलवी सराज साहब साथ है, इसलिए किसी लड़की के मुंह से तलाक की बात सुन ली, वरना वरना क्या वकील साहब? मैं तलाक के केस नहीं लड़ता। कत्ल का केस लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा। तो फिर ठीक है, जब वो मार देगा उसे तो फिर आऊंगी आपके पास कत्ल का मुकदमा लेकर। दो कच्चे मकान और 10-15 हजार का सामान है हमारे पास। माँ के पास सोने की बालियां और 300-400 रुपया नकद, ये तो हो जाएगी आपकी फीस। अब ये बताओ हमारे पास कुछ बचे ना बचे? शौकत अली बच जाएगा? फिर भी उसे मांसी बोल गई तो घबराओ मत, उसका हल भी है मेरे पास। उसे बचाने के लिए किसी और से ब्याह कर लूंगी, पिछली बार भी यही किया था मैंने। जिसके हाथ से अपनी इज्जत बचाने के लिए 4 साल तक लड़ती रही, उसी से निकाह करना पड़ा मुझे। हाथों हाथ पे बार कर लिया उससे। उसने शौकत अली की जान बचाई और मैंने शौकत अली की गैरत गवाई। आज वो जिंदा होके याद हो गया है, पर ही घोर फांसी की रस्सी गले में डाल के फिरता है। किसकी बीवी हो तुम? कड़कपुर के मेहर सुरखाब की। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और फीस भी नहीं लूंगा तुमसे, लेकिन तुम अपने पैरों पे खड़ी रहना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने मेरी मन्नत कबूल कर ली है, हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। बताता हूँ जनाब, बताता हूँ, पहले मन्नत के 10 नफल तो अदा कर लूँ। हाँ 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 हाँ, जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह वाह अल्लाह।
कौन? मैं हूं रखी। कल दिन के वक्त मिलना। दरवाजा खोल, तुझसे मिलने का टाइम पूछने नहीं आई। और कल ही नहीं, हाजरा साथ है मेरे। अब तू जा। तुझसे जरूरी बात करनी है। अंदर चल। मौलवी साहब ने मेहर के बारे में बताया तुझे?